joins us along with Dr. Chandan Yadav, State Secretary of the JDU, Lokesh Jindal, Political Analyst. Dr. Chandan Yadav, BJP के सूत्र बता रहे हैं कि कोई relook नहीं होने वाला है और अग्निवीर ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है. इस तरीके की डिमांड्स क्या अलायंस में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद. यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. अगर कोई समस्या आई है, क्योंकि देख लीजिए एनडीए के हम लोग पार्ट है और हम लोग सीधे जनता के बीच में गए थे चुनाव में, तो वहां से जो बातें सामने आई है, तो एक सजग मित्र होने के नाते हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि जो भी सरकार फॉर्म हो रही है एनडीए की, उसमें जो जनता का भावना, उनसे अपने नेताओं को हम अवगत कराएं. तो इसमें बहुत ज्यादा समस्या की बात नहीं है और ये सब बैठ करके बड़े नेताओं को देख लेंगे. यहाँ कोई समस्या की बात नहीं है और किसी भी तरीके से अलायंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. डॉक्टर चंदन यादव, अभी जिस तरीके से आज कांग्रेस ने फॉर एग्जांपल एक मीम उन्होंने दिखाया है, ऐसा लग रहा है कि फूट डालो तमाशा देखो टाइप का एक सिचुएशन है, जहां पे कई सारे इश्यूज पे जहां पे डिफरेंसेस, जैसे कि आपने अग्निवीर का मुद्दा उठाया है, कांग्रेस अभी कह रही है कि देखो ये अलायंस इज अनटेनेबल एंड दे आर एंजॉइंग द शो. नहीं नहीं, कांग्रेस क्या कह रही है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है. कांग्रेस को 70 साल इस देश में राज की, आज उसकी हालत क्या है उसको तो खुद मूल्यांकन करना चाहिए, खुद देखना चाहिए अपना. और जहां तक एनडीए का सवाल है, अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि चीजें हम लोगों के पक्ष में बहुत हद तक कमी है. अगर आंकड़े कमे हैं, वोटर परसेंटेज कमा है, तो उसके लिए रिव्यू करना चाहिए. वही हमारे नेता ने भी कहा है. और एनडीए के एक मजबूत पार्ट होने के नाते एनडीए को मजबूत करने की जिम्मेवारी भी हम लोगों के कंधे पर है. कहां से पब्लिक का ओपिनियन आ रहा है, कहां से क्या रिव्यू आ रहा है, वो सब चीजें सरकार में जाएगी तभी एनडीए और मजबूत होगा. लोकेश, यू सीम टू बी रियली एंजॉयिंग दैट एवरी डे देयर इज अ न्यू, इफ यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दैट मीम दैट वाज पुट आउट बाय द कांग्रेस, एवरी डे देयर इज अ न्यू दिस थिंग सेइंग कि भाई आज इसलिए द अलायंस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स डिफरेंट सीट्स. देन यू से ओ बिकॉज ऑफ अग्निपथ दिस अलायंस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. इनफैक्ट अभिषेक बैनर्जी सेड इन द मीटिंग ऑफ द अलायंस दैट 3 बीजेपी एमपीज आर इन टच विद अस. So, is this just like, you know, एक फूट डालने का, you know, जिसको मतलब आप जबरदस्ती ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल. पद्मजा जी, यादव जी के शब्द भले ही भाजपा के हों, विचार कांग्रेस के ही है. और ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि जो विचारधारा है हमारी, वैचारिक जो एक सोच है वो मेल खाती है. यादव जी, मैं आप बिल्कुल मन में चाहते हैं इस बात की सराहना करने के लिए, लेकिन नेसेसिटी है कि आपको अपोज करना है. अरे आप चंदन यादव के मन की बात इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं. चंदन जी देखिए, आपके मन की बात आजकल कांग्रेस ज्यादा अच्छा समझ रही है. नहीं, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री का काम था, लेकिन अगर इन लोग समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन इन लोग को देख लीजिए, कांग्रेस क्या कर रही है वो तो खुद असमंजस में है. कांग्रेस तो खुद परेशान है कि वो करे क्या. इसलिए कांग्रेस को हम लोग बहुत नोटिस लेने वाले नहीं है. हम लोग जो INDA गठबंधन ही बनाने वाले लोग हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हम लोग हैं, तो फिर कांग्रेस तो एक पार्टी है, उससे क्या बात करेंगे हम लोग. उसको तो खुद मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर देश में ये स्थिति कैसे आ गई. बताइए किस प्रकार से हम लोग. लोकेश जिंदल, आत्ममंथन कर लीजिए. लेट मी जस्ट कीप थ्रोइंग स्टफ एट देम, मे बी सम ऑफ इट विल स्टिक, सम ऑफ इट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल बिटवीन द टू ऑफ देम. बट चंदन यादव जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जो है पता चला है, 4 एमपीज के बदले में एक मंत्रालय मिलने का फॉर्मूला बताया गया है. ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि TDP के पास 16 सीटें हैं, 16 एमपीज हैं, वो 4 मिनिस्टर और एक स्पीकर का पद भी मांग रहे हैं. इन एडिशन टू दैट ऑफ कोर्स देन यू हैव द JDU व्हिच हैज गॉट 12 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. दे आर डिमांडिंग 3 मिनिस्टेरियल बर्थ्स. सेम अप्लाइज टू शिवसेना ऑल्सो, RLD ऑल्सो. सो द फॉर्मूला एसेंशियली इज 4 MPs 1 मिनिस्टेरियल बर्थ. क्या यही अब खींचतान की वजह से फॉर्मली स्टेक क्लेम नहीं किया गया है? पद्मजा जी, कहीं कोई खींचतान नहीं है. और ये सब 4 MPs और 1 मिनिस्टर का जो फॉर्मूला है वो कहां से आया है, किसने बनाया है, ये सारी चीजों की जानकारी हम लोगों को नहीं है. ये देखिए, आपने लोकेश जिंदल का दिल ही तोड़ दिया. पहले आपने कहा हम UCC के साथ है, फिर आपने कह दिया कि कोई अंतर नहीं है ऑन द मिनिस्ट्री, फिर आपने कह दिया अग्निवीर भी हम अड़े नहीं हुए. जिंदल जी का जो दिल है वो तो देश की जनता ने तोड़ दिया है. हम क्या करेंगे इसमें? हम लोग तो भाई वो देश जोड़ने चले थे, अब देश की जनता ने उनको नहीं जोड़ा, तो इसमें हमारी क्या भूमिका होगी पद्मजा जी? और ये सब फॉर्मूला है, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि कांग्रेस जो है वो कुछ एजेंडों पर काम कर रही है कि फूट डालना है.
हालांकि इन सारे एजेंडों पर एनडीए का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए के सारे शीर्ष के नेतृत्व ने कल फैसला कर लिया है, प्रधानमंत्री जी जब बनेंगे तो सारे मिनिस्ट्रियल जो होगा वो तय कर लिया जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, देयर इज नो कंफ्यूजन। आई थिंक व्हाट एल्स कैन द रेस्ट ऑफ अस से इफ द जेडीयू इटसेल्फ हैज डिसाइडेड टू स्कॉच टू पोर कोल्ड वाटर ऑन ऑल ऑफ योर फॉन्ड होप्स। टुमारो इज गोइंग टू बी अ मेजर शो ऑफ स्ट्रेंथ बाय ऑल ऑफ द एनडीए। दे आर गोइंग टू स्टेट गेम टुमारो एंड इन ऑल लाइक्लीहुड ऑन संडे इज गोइंग टू बी द स्वेरिंग इन। फॉर नाउ नो ट्रबल, द कांग्रेस दो विल कीप ट्राइंग आई एम गेसिंग। थैंक्स वेरी मच ऑल जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी।